मरहबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अमीदा के सब लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो तमाम तलबा जो है वो पेज नंबर करिकुलम का 5 और उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो टॉपिक नंबर 11 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है टेबल्स इन एमएस वर्ड। के एमएस वर्ड में हम जो टेबल्स हैं वो उनको किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और उनका जो लेआउट है या जो फॉर्मेटिंग है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज हम टेबल्स इन एमएस वर्ड पे बात करेंगे। तो अगर हम गौर करें तो एमएस वर्ड में हम अमूमी तौर पर जो अपना डाटा है जो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है उसको हम पैराग्राफ की शक्ल में जो है ना वो टाइप करते हैं या रखते हैं। लेकिन आप अपना जो डाटा है एमएस वर्ड में वो टेबलर फॉर्म में भी जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम किस तरह अपने डाटा को टेबल्स में अरेंज करना है या किस तरह टेबल्स को क्रिएट करना है तो या इंसर्ट करना है वो आज हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। तो हम जो है अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, तो अगर हम इंसर्ट टैब में जाएं तो वहाँ पे एक ग्रुप है टेबल का। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये एक लिस्ट ऑफ समझने के मेथड्स या टेबल्स क्रिएट करने के जो वेज हैं वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये ऊपर लिखा हुआ है 10x3 टेबल, ये से हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप जितने एरिए को आप सिलेक्ट करोगे उतने मुताबिक जो है वो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह के ये 10 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं और 3 रोज़ जो है ना वो सिलेक्ट हुई हैं। तो इस तरह आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका है ये इंसर्ट टेबल है जी, ये वाला आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके से पूछता है कि आपको कितने कॉलम्स और कितने रोज़ चाहिए। नंबर 3 है जी ड्रॉ टेबल है, ये आप पेंसिल एक्टिव हो जाती है, आप जिस तरह पेंसिल से लाइनें लगा के अपना टेबल बनाते हैं उस तरह आप टेबल बना सकते हैं। फिर अपना जो टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं जी ये। और उसके अलावा एक्सेल स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट पे तो आपके सामने एक्सेल और एक्सेल में भी आ जा रहा है, टेबलर फॉर्म में डाटा सेव होता है। और आखिरी है क्विक टेबल्स, ये बने बनाए टेबल्स हैं, आप इनकी मदद से अपना डाटा जो है वो उसको तरतीब दे सकते हैं। तो अब हम अमली तौर पर देखते हैं कि किस तरह हम अपने एमएस वर्ड में टेबल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आए हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं।